हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का सबसे पहला टॉपिक जिसका नाम है डिज़ाइन कनेक्शन। इस डिज़ाइन कनेक्शन में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बोल्टेड कनेक्शन का डिज़ाइन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। सबसे पहला टॉपिक है कनेक्शन डिज़ाइन, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करने के पहले थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ जॉइंट क्या होते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ जॉइंट। तो सबसे पहला जॉइंट होता है लैप जॉइंट। द वेरी फर्स्ट जॉइंट इज लैप जॉइंट। अब लैप का मतलब होता है ओवरलैप करना, मतलब अगर आप दो मेंबर्स को कनेक्ट कर रहे हो ऐसे जैसे उनके बीच में ओवरलैप है, मतलब टू प्लेट्स आर कनेक्टेड इन सच ए मैनर दैट दे हैव ओवरलैप इन बिटवीन देम, दैट इज कॉल्ड एज लैप जॉइंट। एक इसमें पॉइंट लिखते हैं नोट्स में। अ जॉइंट विच इज फॉर्म्ड, ए जॉइंट विच इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग टू मेंबर्स, बाय ओवरलैपिंग टू मेंबर्स इज कॉल्ड लैप जॉइंट। इसका आप एक फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। इसका फिगर कैसे बनेगा, मान लो ये एक प्लेट है एंड ये आपकी दूसरी प्लेट है। आपने इन दोनों को कनेक्ट किया है विद द यूज ऑफ लैप जॉइंट। लैप का मतलब होता है आपने यहाँ पे एक ओवरलैप दिया है इन दोनों प्लेट के बीच में, विच इज कॉल्ड एज ओवरलैप। एंड अगर आप इसमें बोल्टिंग करते हैं, मतलब अगर आप इसमें बोल्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे पहले आपको इसमें होल करना पड़ेगा एंड देन वो बोल्ट को इंसर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बोल्टेड लैप जॉइंट। इसको हम क्या बोलेंगे, बोल्टेड लैप जॉइंट। तो सिंपल याद रखना, लैप जॉइंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा जॉइंट जिसको हम बनाते हैं कब, जब दो मेंबर्स को ओवरलैप करके उसको कनेक्ट करना है, ठीक है। अब यहां पर एक वेल्डेड लैप जॉइंट बनता है। जैसे मान लो ये एक प्लेट है अपनी एंड ये दूसरी प्लेट है जिसको हमने ओवरलैप किया है। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए हम लोग यहाँ पर वेल्डेड लैप जॉइंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वी कैन मेक यूज ऑफ वेल्डेड लैप जॉइंट, मतलब यहाँ पे वेल्डिंग करेंगे और दोनों को कनेक्ट करेंगे। याद रखना, वेल्डिंग के टाइम पे आपको होल नहीं करना पड़ता। देर इज नो नीड टू डू द होल इन द प्लेट। मतलब बोल्टिंग के समय पे जब आपको बोल्ट इंसर्ट करना है प्लेट के अंदर, तब आपको होल करना कंपलसरी है। यू नीड टू गो फॉर अ होल प्रोविजन। पर वेल्डिंग के समय पे क्या होता है, आपके पास एक एडवांटेज है, आपको होल नहीं करना पड़ता। तो आप यहाँ पे ऐसी वेल्डिंग कर सकते हो, ठीक है। इस वेल्डिंग को हम क्या बोलते हैं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। पर हाल फिलहाल के लिए आप बेसिक याद रखो कि दो तरह के लैप जॉइंट है। लैप जॉइंट के अंदर बोल्टेड लैप जॉइंट है और एक वेल्डेड लैप जॉइंट है, ठीक है। एंड यहाँ पे वेल्डेड लैप जॉइंट में हम लोग होल नहीं करते। चलो अब आएंगे सेकंड नंबर पे, पॉइंट नंबर बी। दूसरा जो जॉइंट है उसको बोलते हैं बट जॉइंट। इसको हम बोलते हैं बट जॉइंट, ठीक है। तो इस पे एक पॉइंट लिखो, ए जॉइंट विच इज फॉर्म्ड इन सच अ मैनर that their edges are facing each other, that their edges are facing each other. अब ऐसा जो joint है ना, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दो members को connect करते हैं ताकि दोनों के edges एक मेक को face करें। Their edges face each other. तो उसको हम बोलते हैं बट जॉइंट। इसके भी दो टाइप्स है अपने पास। वी हैव टू टाइप्स ऑफ बट जॉइंट। सबसे पहला है सिंगल कवर बट जॉइंट। वी हैव सिंगल कवर बट जॉइंट। जो दो प्लेट्स को आपको कनेक्ट करना है उनको हम बोलते हैं मेन प्लेट। वी कॉल इट मेन प्लेट। दीज आर कॉल्ड मेन प्लेट। अगर आपको इसमें
बोल्टिंग करनी है तो लेट अस से ये मेन प्लेट है आपकी, ये दोनों क्या है आपकी मेन प्लेट है, इसको मैं बोल देता हूँ एमपी। अगर आप इसमें एक कवर प्लेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, मान लीजिए आपने ऊपर में एक और एक्स्ट्रा प्लेट यूज कर ली और यहाँ पे होल करके बोल्टिंग कर दी, यहाँ पे आपने बोल्टिंग लगा लिया, दीज आर द बोल्ट्स, तो इस पर्टिकुलर कनेक्शन को बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज कवर प्लेट, इसको बोलते हैं कवर प्लेट। तो सिंगल कवर प्लेट यूज करके हम लोगों ने एक बट जॉइंट क्रिएट कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज सिंगल कवर बट जॉइंट। सिमिलरली इसका एक दूसरा टाइप है जिसको हम बोलते हैं डबल कवर बट जॉइंट, दिस इज कॉल्ड डबल कवर बट जॉइंट। इसमें हम लोग प्लेट्स को कुछ इस प्रकार से कनेक्ट करते हैं, जैसे ये आपकी मेन प्लेट है, दीज आर द मेन प्लेट्स, एंड इसमें आप दो कवर प्लेट का इस्तेमाल करेंगे, एक ऊपर और एक नीचे। कवर प्लेट का थिकनेस थोड़ा सा मेन प्लेट से कम हो सकता है, एंड यहाँ पे हम लोग करेंगे बोल्टिंग, विल गो फॉर बोल्टिंग इन दिस फैशन। तो बोल्टिंग में आपको यूजुअली होल करना पड़ता है प्लेट्स के बीच में, एंड देन आपको उसका उसका नट टाइट करना पड़ता है। तो दीज आर टू कवर प्लेट्स विच आर बींग यूज टू फॉर्म अ डबल कवर बट जॉइंट। तो ये था आपका सबसे पहला टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ जॉइंट कौन से होते हैं। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ द जॉइंट बेस्ड ऑन द मटेरियल। अब मटेरियल के बेस पे आप जॉइंट्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं, तो सिंपल है। सबसे पहला है जो आपको पढ़ने अभी आप हम लोग पढ़ेंगे, पहला है बोल्टेड जॉइंट या बोल्टेड कनेक्शन बोलते हैं इसको, दूसरा है वेल्डेड जॉइंट, एंड तीसरा है रिवेटेड जॉइंट, थर्ड वन इज रिवेटेड जॉइंट। तो तीन तरह के जॉइंट्स होते हैं जो कि मटेरियल के बेस पे क्लासिफाइड है, पहला है बोल्टेड, दूसरा है वेल्डेड, तीसरा है रिवेटेड जॉइंट। बोल्टेड एंड वेल्डेड प्रैक्टिकली मोस्ट ऑफ द टाइम साइट पे यूज किए जाते हैं, रिवेटेड जॉइंट आज की तारीख में हम लोग यूज नहीं करते, ये एक आउटडेटेड मटेरियल है जो कि पहले के जमाने में यूज होता था मेंबर्स को कनेक्ट करने के लिए। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक, तो लेट स्टार्ट विद द बोल्टेड कनेक्शन पार्ट। इसमें इस वीडियो में हम लोग सिर्फ अब बात करेंगे बोल्टेड कनेक्शन की, जो भी इसके बेसिक्स है एंड इसके न्यूमेरिकल्स है जो कि हम लोग आगे की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बोल्टेड कनेक्शन से, तो आप हेडिंग दे दो कॉपी में बोल्टेड कनेक्शंस। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे अबाउट क्रॉस सेक्शन ऑफ द बोल्ट, वी विल डिस्कस अबाउट द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बोल्ट। अब बोल्ट पहली बात तो दिखता कैसा है, ठीक है, तो ड्रॉ करेंगे, ये बोल्ट है, ऐसा आपका बोल्ट दिखता है, ये बोल्ट का हेड है, दिस इज द बोल्ट हेड, मतलब बोल्ट का सर है ये। अब इसमें जो ये प्लेन पोर्शन है तो इसको हम बोलते हैं शैंक, दिस इज कॉल्ड शैंक ऑफ द बोल्ट। शैंक मतलब जो प्लेन सरफेस है उसको हम लोग क्या करेंगे, शैंक बोलेंगे। और जो इसमें ये जो एरिया है जिसको हम लोग जिगजैग दिखाए हैं इसको बोलते हैं थ्रेड, वी कॉल इट थ्रेड। अब बोल्ट में दो पार्ट्स है, पहला है शैंक, दूसरा है थ्रेड। यहाँ पर शैंक एक ऐसा पोर्शन है जिसको हम लोगों ने थ्रेड की तरह उसका मटेरियल कट नहीं किया है, वो मेंबर पूरा सॉफ्ट है। तो इसका जो डायमीटर है, लेट अस से इसको हम लोग डी बोल देते हैं, ठीक है, तो डी का मतलब होता है शैंक डायमीटर ऑफ द बोल्ट। डी का मतलब क्या होता है, शैंक डायमीटर ऑफ द बोल्ट, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट। मतलब जितना शैंक का डायमीटर है उतना ही बोल्ट का डायमीटर है, ऐसा हम लोग मानते हैं, ठीक है। अब थ्रेड, थ्रेड क्या होता है, थ्रेड एक ऐसा पोर्शन है जो कि हम लोगों ने मटेरियल को कट करके बनाया, मतलब आपका जो नट है बोल्ट का उसको टाइट करने के लिए, दो मेंबर्स को प्रॉपरली जॉइंट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे थ्रेडिंग पोर्शन क्रिएट किया है। तो अगर मान लो शैंक की एरिया ए एस बी बोलते हैं, दिस इज द एरिया ऑफ शैंक,
तो शैंक एक सर्कुलर पोर्शन है, तो इसकी एरिया बनती है पाई बाय फोर डी का स्क्वायर। ये तो आपको सबको पता है कि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की एरिया होती है पाई बाय फोर डी स्क्वायर। अब आईएस कोड के हिसाब से इस थ्रेड की भी एक एरिया होती है विच इज अप्रोक्सीमेटली, इसको हम बोलते हैं ए एन बी, मतलब नेट एरिया ऑफ द बोल्ट, नेट एरिया ऑफ द बोल्ट मतलब जो भी आपका थ्रेडेड पोर्शन है उसकी एरिया टैंक की एरिया से थोड़ी कम होगी। वो कोड के हिसाब से हम लेते हैं 0.78 टाइम्स टैंक एरिया ऑफ द बोल्ट, मतलब आपकी जो थ्रेड की एरिया है जिसको हम लोगों ने कट करके एक ऐसा शेप दिया है ताकि आपका नट प्रॉपरली इस बोल्ट में टाइट हो सके, तो थ्रेड की एरिया विच इज कॉल्ड एज नेट एरिया, ये हम लोग लेते हैं 0.78 टाइम्स टैंक एरिया ऑफ द बोल्ट। तो ए एन बी का फॉर्मूला क्या बन गया, ये बन गया 0.78 पाई बाय फोर डी का स्क्वायर, दिस इज 0.78 पाई बाय फोर डी का स्क्वायर। तो न्यूमरिकल में आप लोग याद रखना, जब हम लोग न्यूमरिकल सॉल्व करेंगे तो ए एन बी का मतलब होता है नेट एरिया, इसका फॉर्मूला होता है 0.78 पाई बाय फोर डी स्क्वायर, और ए एस बी मतलब शैंक का एरिया वो होता है पाई बाय फोर डी स्क्वायर। इसके साथ साथ हम लोग एक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं जिसमें दो टर्म आने वाले हैं, एक होता है एन एस, एक होता है एन एन। मैं इसका आपको मतलब अभी बता देता हूँ, फिर बाद में हम लोग और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो एन एस का मतलब होता है नंबर ऑफ प्लेन्स, नंबर ऑफ प्लेन्स इंटरसेप्टिंग शैंक, नंबर ऑफ प्लेन इंटरसेप्टिंग शैंक, और एन एन का मतलब होता है नंबर ऑफ प्लेन्स इंटरसेप्टिंग इंटरसेप्टिंग थ्रेड। अब इस वर्डिंग का मतलब क्या है पहले वो समझते हैं। अगर मैं बोलूं एन एस मतलब शैंक कटेगा, अगर मैं बोलूं एन एन मतलब थ्रेड कटेगा, अब ये कटेगा का मतलब क्या होता है, देखो जैसे मान लो आपके पास एक बोल्ट है, वी हैव अ बोल्ट जिसमें ये शैंक है और ये थ्रेड है, ठीक है। अब ये आपका शैंक पोर्शन आ गया एंड ये आपका थ्रेड पोर्शन आ गया। अगर मान लो आपका बोल्ट कहीं से कट रहा है, मतलब कहीं से वो शियर हो रहा है, तो अगर मान लो आपका बोल्ट शैंक से कटा तो हम लोग यूज करेंगे एनएस, अगर आपका बोल्ट कटा थ्रेड से तो हम लोग यूज करेंगे एनएन, ठीक है। क्या होता है ना, जब हम लोग बोल्ट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मान लो ये कनेक्शन है, अगर हम इस पे लोड अप्लाई करते हैं पी पी, तो इसकी वजह से क्या होगा, जब मैं प्लेट को खींचूंगा ना तो आपका बोल्ट यहां से कट सकता है, बीच में से कट सकता है, तो उस प्रोसेस में क्या होगा, या तो आपका थ्रेड कटेगा या तो आपका शैंक कटेगा। तो उसी के लिए हम लोग एन एन और एन एस का इस्तेमाल करते हैं, एन एन मतलब थ्रेड कटेगा, एन एस मतलब शैंक कटेगा। तो आप अपने समझने के लिए लिख के रखो शैंक विल कट, शैंक विल कट उसको बोलेंगे एन एस, एन एन में थ्रेड विल कट, यहां पे थ्रेड कटेगा उसको बोलेंगे एन एन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अभी। अब हम यहां पे हम लोगों ने देख लिया कि क्रॉस सेक्शन ऑफ बोल्ट क्या होता है। अब कभी भी याद रखना, जब हम लोग किसी बोल्ट को किसी प्लेट में अप्लाई करेंगे, लेट अस से ये एक प्लेट है, ये क्या एक प्लेट है, अब मान लो इन दो प्लेट्स को कनेक्ट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इनके बीच में होल करना पड़ेगा। अब होल का डायमीटर बोल्ट के डायमीटर से कभी भी ज्यादा होता है, ठीक है ना। जैसे मान लो आपने इन दो प्लेट्स को ओवरलैप करके इसमें बोल्टेड कनेक्शन डाला, तो बोल्ट को इंसर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले प्लेट में होल करना पड़ेगा, और होल का डायमीटर बोल्ट के डायमीटर से कभी भी ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और पॉइंट हम लोग ऐड करते हैं, जैसे हमने देखा डी का मतलब क्या होता है, ये होता है डायमीटर ऑफ बोल्ट, डी का मतलब क्या होता है डायमीटर ऑफ बोल्ट, या फिर शैंक का डायमीटर होता है वो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड शैंक डायमीटर। और डी नॉट एक नया टर्म में ला रहा हूं अभी, इसको बोलते हैं डायमीटर ऑफ बोल्ट होल, इसको हम क्या बोलते हैं डायमीटर ऑफ बोल्ट होल। तो डायमीटर ऑफ बोल्ट होल कभी भी ज्यादा रहेगा किससे, डायमीटर ऑफ बोल्ट से, ठीक है। अब कितना ज्यादा रहेगा, ये आपके आई एस 800
2007 में दिया हुआ है। ये आपका एक IS कोड है, विच इज अ कोड ऑफ प्रैक्टिस। आपको याद रखना है कि कोड ऑफ प्रैक्टिस इन केस ऑफ डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर क्या है, IS 800 2007 है। तो इसके पेज नंबर मेरे ख्याल से 73 पे इसका एक टेबल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो टेबल नंबर 19 देखना क्या लिखा है, क्लियरेंस फॉर फास्टनर होल्स। मतलब कोई भी अगर आप फास्टनर, मतलब आप बोल्ट यूज करते हो, तो कितना क्लियरेंस आपको देना है बोल्ट के डायमीटर के अलावा, दैट इज कॉल्ड एज डायमीटर ऑफ बोल्ट होल। तो जैसे मान लो सीरियल नंबर दिया है, नॉमिनल साइज ऑफ फास्टनर दिया है, सीरियल नंबर 1 देखो 12 to 14 मिलीमीटर, मतलब अगर आपका डायमीटर 12 से लेकर 14 मिलीमीटर के आसपास है, तब आपको क्लियरेंस कितना देना है, आपको क्लियरेंस देना है 1 mm का। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपके बोल्ट का डायमीटर 12 mm का है, तो आपको 1 mm होल ज़्यादा करना है होल के लिए, ठीक है। अगर मान लो आपका डायमीटर 16 से 22 के बीच में है, तब आपको 2 mm का क्लियरेंस देना है, मतलब 2 mm का डायमीटर आपको एक्स्ट्रा वहाँ क्रिएट करना है। अगर आपका डायमीटर 24 का है, तब भी आपको 2 mm का क्लियरेंस देना है। अगर आपका डायमीटर 24 mm से ऊपर है, तब आपको 3 mm का क्लियरेंस देना है। अब मैं आपको इसको एक टेबल के फॉर्म में बताता हूँ, ताकि आपको इजीली याद हो जाए। जैसे मान लो यहाँ लिखो डायमीटर ऑफ बोल्ट, ठीक है। यहाँ लिखो, लेटर से एक एग्जांपल देखते हैं, 12 मिलीमीटर, 14 मिलीमीटर, ठीक है। अब इंक्रीज बाय, आपको डायमीटर कितने से इंक्रीज करना है वो देखते हैं। अगर आपका बोल्ट का डायमीटर 12 और 14 के बीच में है, तब आपको 1 mm से इसको इंक्रीज करना है, ठीक है। तो आपका डायमीटर ऑफ बोल्ट होल क्या बन जाएगा, डायमीटर ऑफ बोल्ट होल 12 + 1 कर देना वो बन जाएगा 13, और यहाँ पे 14 + 1 कर देना वो बन जाएगा 15 मिलीमीटर। अगर आपके बोल्ट का डायमीटर 16 या फिर 24 तक के है, यहाँ दिया था ना उसने 16 से 22, फिर या फिर 24, मतलब 16 हो गया, फिर 18 हो गया, फिर 20 हो गया, या 22 भी हो गया, या फिर 24 हो गया, 22 और 24, उस केस में आपको उसको 2 mm से इंक्रीज करना है, इंक्रीज बाय 2 mm। तो यहाँ पे डायमीटर ऑफ बोल्ट होल क्या हो जाएगा, 16 + 2 = 18, 18 + 2 = 20, दिस इज 22, दिस इज 24 एंड दिस इज 26 mm। और अगर आपका डायमीटर 24 mm से ऊपर है, मान लो 27 मिलीमीटर का डायमीटर है, तो उसमें आपको कितने से इंक्रीज करना है, कोड ने बोला है 3 mm से इंक्रीज करना है, यहाँ पे आप प्लस 3 कर देना, तो प्लस 3 कितना देना 30 mm, मतलब बोल्ट होल का डायमीटर कितना देगा 30 mm को देगा। अगर बोल्ट का डायमीटर 30 mm है, तो यहाँ पे और प्लस 3 करो, तो यह देगा 33 mm। तो ये टेबल आप सबको याद रखना है कि जब जब बोल्ट का डायमीटर इतना है, तो होल का डायमीटर कितना रहेगा वो आपको याद रखना पड़ेगा। सिंपल याद रखना, 12 से 14 mm के बीच में अगर रहा तो 1 mm से इंक्रीज करना, 16 से 24 रहा तो 2 से करना, 24 के ऊपर 3 mm से उसको बढ़ाना है, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे थोड़े बेसिक टर्म्स, लिखो बेसिक टर्म्स इन बोल्टेड कनेक्शन। नाउ वी विल स्टडी सम बेसिक टर्म्स इन बोल्टेड कनेक्शन। अब इसमें सबसे पहला बेसिक टर्म पढ़ने के पहले लेट मी ड्रॉ डायग्राम, हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। जैसे मान लो ये एक प्लेट है एंड ये दूसरी प्लेट है, इन दोनों प्लेट को मैंने ओवरलैप करके कनेक्ट किया है, दीज टू प्लेट्स आर ओवरलैप्ड एंड कनेक्टेड लेट अस से विद द हेल्प ऑफ बोल्टेड जॉइंट। तो हमने क्या किया, हमने दो प्लेट ली, आपको विजुलाइज करना पड़ेगा। हमने एक पहली प्लेट ली, प्लेट नंबर 1, इसको दूसरी प्लेट के साथ ओवरलैप किया ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने बोल्टिंग किया, लेट अस से ये बोल्ट है, हमारे दो बोल्ट है, आपको दिख रहे ऊपर में, दीज आर द टू बोल्ट्स, ठीक है। अब इन दो प्लेट्स को अगर मैं टॉप से देखूं,
जैसे मान लो ये दो प्लेट्स है, अगर मैं इसको टॉप से देखूंगा तो मेरे को रियल पिक्चर मिलेगी, तब मुझे पता पड़ेगा कि इसमें एक्चुअल नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने हैं। तो लेट अस से ये आपकी प्लेट है, कि मैंने इसको नीचे प्रोजेक्ट किया और इसको आगे तक ले गया मैं यहाँ पर, फिर इस पॉइंट को आप नीचे प्रोजेक्ट करो ऐसा, ठीक है। फिर ये जो प्लेट है ये वाली, इसको यहाँ प्रोजेक्ट कर रहा हूँ मैं, इस प्लेट को मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। अब मान लो आपके पास चार बोल्ट्स है, वी हैव फोर बोल्ट्स, तो अगर चार बोल्ट्स है तो इसमें आपको चार बोल्ट होल दिखने वाले हैं। तो मान लो पहला होल यहाँ पर है, दूसरा होल यहाँ पर है, तीसरा होल यहाँ पर है, चौथा होल यहाँ पर है। आपको सेक्शन में दो बोल्ट दिख रहे हैं, पर प्लान में एक्चुअल जितने बोल्ट लगे हुए हैं उतने दिखने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने ड्रॉ कर लिए दो प्लेट्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोड लगाते हो, लोड लगाते हो पी यू, दिस इज ऑल्सो पी यू। इस लोड से हम लोग इस प्लेट को खींच रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू पुल द सिस्टम बाय लोड पी यू। इसको हम बोलते हैं फैक्टर्ड लोड, वी कॉल इट फैक्टर्ड लोड, ठीक है। अब इसमें जो आपको टर्म्स पढ़ने हैं, सबसे पहले आप इसका सेंटर लाइन मार्क करेंगे, फिर आप इसका सेंटर लाइन मार्क करेंगे, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं पिच, इसको हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। और अगर मैं ऐसे डिस्टेंस मार्क कर रहा हूं तो इसको हम बोलते हैं गेज, इसको हम क्या बोलते हैं, गेज बोलते हैं। तो आइए सबसे पहले इन दो टर्म्स को समझते हैं कि पिच और गेज में क्या फर्क है। तो सबसे पहला टर्म है पिच। पिच पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स को हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, उसमें सबसे पहला टर्म आता है पिच। तो पिच को डिफाइन करेंगे, लिखो इट इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, इट इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द बोल्ट होल्स, बिटवीन द बोल्ट होल्स मेजर्ड पैरेलल, मेजर्ड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ लोड, मेजर्ड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ लोड। मतलब ये एक सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस है बोल्ट होल के बीच का। पिच को हम लोग हमेशा लोड के पैरेलल गिनते हैं, आप देख सकते हो पिच इज पैरेलल टू द लोड, तो पिच इज ऑलवेज मेजर्ड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ लोड। अब इसमें एक मिनिमम पिच का क्राइटेरिया जो कोड ने दिया है, बी स्टूडेंट्स आपको कोड ले जाना अलाउड है एग्जाम में, तो आपको पेज नंबर 73 रिफर करना है, यू हैव टू रिफर कोड का पेज नंबर 73। इसमें आपको क्लॉज नंबर देखना है 10.2.2, दैट इज मिनिमम स्पेसिंग, पिच को स्पेसिंग ही बोलते हैं हम लोग। क्या लिखा है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द फास्टनर्स शैल नॉट बी लेस देन 2.5 टाइम्स द नॉमिनल डायमीटर ऑफ द फास्टनर। पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स को डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रखना है, एंड बी स्टूडेंट्स को अगर फॉर्मूला नहीं याद रहा तो भी चलता है। तो इसमें मिनिमम पिच का जो मिनिमम स्पेसिंग, या फिर मिनिमम पिच बोलते हैं इसको, मिनिमम पिच का जो फॉर्मूला है वो क्या दिया है कोड ने, वो दिया है 2.5 टाइम्स नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट, नॉमिनल डायमीटर ऑफ, उसने फास्टनर बोला है, फास्टनर को हम लोग बोल्ट बोलते हैं। मतलब पी मिनिमम का फॉर्मूला क्या है, वो है 2.5 टाइम्स डी, 2.5 टाइम्स डी। तो अगर आपको क्लॉज नंबर लिखना है तो आप क्लॉज नंबर लिख सकते हो, दिस इज फॉर बी स्टूडेंट्स, तो क्लॉज नंबर क्या है इसका 10.2.2, दिस इज 10.2.2। चलो आगे बढ़ेंगे अभी। अब इसमें पेज नंबर 73 पे कुछ और स्पेसिंग के फॉर्मुलेस दिए हुए, लाइक मैक्सिमम स्पेसिंग का एक क्राइटेरिया दिया है, इसमें आपका 10.2.3.2 आपको रेफर करना है। क्या लिखा है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू फास्टनर्स दैट इज पिच इन अ लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस shall not exceed 16T or 200 mm, whichever is less in case of tension member। मतलब टेंशन मेंबर में मैक्सिमम पिच कितनी होना, 16T
या फिर 200 mm, दोनों में से जो छोटी है वो चूज करना है टेंशन मेंबर में, और वहीं पर कंप्रेशन मेंबर में आपका है फॉर्मूला 12T और 200 mm, विच एवर इज लेस इन केस ऑफ कंप्रेशन मेंबर। तो इसको हम लोग नोट्स में लिख लेते हैं कि टेंशन मेंबर के लिए उसने क्या बोला, पिच शैल नॉट एक्सीड, एक्सीड मतलब मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, तो मैक्सिमम पिच इज 16T और 200 mm, विच एवर इज लेस, दोनों में से जो भी छोटा आएगा वो लेंगे। सिमिलरली कंप्रेशन मेंबर में, इन केस ऑफ कंप्रेशन मेंबर आपका जो मैक्सिमम पिच है वो है 12T और 200 mm, विच एवर इज लेस। ठीक है, तो यहाँ पर इसने डिफाइन किया है वेयर टी इज द थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट, टी को हम लोग बोलते हैं थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट, ये भी आप लिख लो थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। अब थिनर प्लेट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास दो प्लेट्स है जिनका थिकनेस अलग अलग है, एक का थिकनेस 8 है दूसरे का 10 है, तो यहाँ पे थिकनेस थिनर वाला, थिनर मतलब छोटा, छोटा कौन सा है, यहाँ पे 8 mm छोटा है ना, तो आप लोग यहाँ पे 8 mm का थिकनेस यूज करेंगे मैक्सिमम पिच निकालने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि मिनिमम पिच का फॉर्मूला क्या है, वो है 2.5D, मैक्सिमम पिच का फॉर्मूला टेंशन और कंप्रेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट कंसेप्ट, अब हमको पढ़ना है गेज, नाउ वी हैव टू स्टडी गेज, कि गेज क्या होता है। नंबर टू, सेकंड कंसेप्ट इज गेज, तो गेज के बारे में लिखो, इट इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, इट इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द बोल्ट होल्स इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लोड। कभी भी गेज को हम लोग लोड के परपेंडिकुलर गिनते हैं एंड पिच को लोड के पैरेलल में गिनते हैं, तो यू कैन सी दैट गेज इज ऑलवेज मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लोड। आपका लोड का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है तो गेज को वर्टिकल डायरेक्शन में गिना जाता है। ठीक है, गेज में आपको कोई भी फॉर्मूला याद रखने की नीड नहीं है कॉलेज स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ इसका डेफिनेशन याद रखना है, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा है एंड एंड एज डिस्टेंस, ये क्लास इसका टर्म है जिसको बोलते हैं एंड एंड एज डिस्टेंस। सबसे पहले हम लोग आईएस कोड में देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या लिखा है, तो अगर आप नीचे आएंगे क्लॉज नंबर 10.2.4 एंड एज डिस्टेंस क्या लिखा है, द एज डिस्टेंस इज द डिस्टेंस एट द राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द होल टू द एडजेसेंट एज। अब देखो इधर, उसने पहले बात किया है एज डिस्टेंस की ना, यस, तो एज डिस्टेंस क्या होता है, एज डिस्टेंस को हम लोग परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गिनते हैं पहली बात तो, और ये डिस्टेंस होता है प्लेट के एज से लेकर बोल्ट होल के डिस्टेंस तक का, मतलब जो नियरेस्ट बोल्ट होल है, जैसे मान लो ये एक नियरेस्ट बोल्ट होल है और ये प्लेट का एज है, प्लेट का किनारा है, अगर मैं गिनता हूँ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये इसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, तो अगर ये मैं गिनूँ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो इसको हम बोलेंगे एज। ठीक है, और द एंड डिस्टेंस इज द डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस, मतलब पैरेलल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लेट, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द होल टू द एंड ऑफ द एलिमेंट, मतलब अगर आप डिस्टेंस को ऐसे गिनते हैं तो इसको बोलते हैं एंड डिस्टेंस। तो एंड डिस्टेंस को हम लोग पैरेलल गिनते हैं और एज डिस्टेंस को परपेंडिकुलर में गिनते हैं। ठीक है, पर न्यूमरिकल में हम लोग दोनों को स्मॉल ई बोलते हैं तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पर टेक्निकली कोड ने क्या बोला है, एज डिस्टेंस क्या होता है, एक डिस्टेंस होता है, मैं इसको फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ, इस पिच को मैं हटा देता हूँ,
जैसे मान लो ये आपका एक बोल्ट होल है, तो अगर प्लेट के एज से लेकर यहां तक का डिस्टेंस देखा हम लोगों ने, तो अगर मैं इसको पैरेलल गिनता हूं तो इसको बोलते हैं एंड डिस्टेंस, अगर इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गिनता हूं तो इसको बोलते हैं एज डिस्टेंस। बस इतना फर्क है पर फॉर्मूला सेम है। तो इसको मैं ई बोलता हूँ, दोनों को, बोथ आर कॉल्ड एज ई। तो डिफाइन एंड एंड एज डिस्टेंस, तो पहले मैं एज डिस्टेंस को डिफाइन करता हूँ। एज डिस्टेंस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एडजेसेंट एज ऑफ द प्लेट, एडजेसेंट एज ऑफ द प्लेट टू नियरेस्ट बोल्ट होल, टू नियरेस्ट बोल्ट होल मेजर्ड परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है, मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लोड। इसको हम लोग लोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गिनते हैं। वेयर एज एंड डिस्टेंस इज मेजर्ड, इट इज मेजर्ड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ लोड, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ लोड। आप इसको पूरा लिख के बस आखिरी में लिख देना पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ लोड, मतलब एंड डिस्टेंस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एज ऑफ द प्लेट या फिर एंड ऑफ द प्लेट टू द नियरेस्ट बोल्ट होल मेजर्ड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ लोड, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब इसका एक लास्ट पॉइंट देख लो कि मिनिमम एज डिस्टेंस प्लेट्स के लिए कितना होता है। तो क्या लिखा है, द मिनिमम एज एंड एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ एनी होल टू द नियरेस्ट एज ऑफ अ प्लेट शैल नॉट बी लेस देन 1.7 टाइम्स द होल डायमीटर इन केस ऑफ हैंड फ्लेम कट एजेस एंड 1.5 टाइम्स द होल डायमीटर इन केस ऑफ रोल्ड मशीन फ्लेम कट एजेस। अब आपको मिनिमम एज डिस्टेंस निकालने के दो क्राइटेरियाज दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है 1.7 टाइम्स बोल्ट होल का डायमीटर या फिर 1.5 टाइम्स बोल्ट होल का डायमीटर। ये हम लोग यूज करते हैं फॉर हैंड फ्लेम कट एजेस एंड दिस इज फॉर मशीन्ड फ्लेम कट एजेस, मशीन्ड फ्लेम कट एजेस। मतलब अगर आप प्लेट को काटने के लिए मशीन का इस्तेमाल करते हैं देन वी मेक यूज ऑफ 1.5 डी नॉट का फॉर्मूला। तो ई मिनिमम में अगर आप न्यूमरिकली हम लोग 1.5 डी नॉट ही यूज करेंगे, हम लोग अज्यूम करेंगे कि वी हैव यूज मशीन फ्लेम कट एजेस। तो ऑलवेज यूज ई मिनिमम एज 1.5 डी नॉट, इट इज 1.5 डी नॉट। तो इतने बेसिक टर्म्स हाल फिलहाल के लिए आपको याद रखने हैं कि बोल्टेड कनेक्शन में पिच होता है, गेज होता है, एज एंड एंड डिस्टेंस होता है। इसके आगे के वीडियोस में हम लोग बोल्टेड कनेक्शन का और डिटेल स्टडी करेंगे एंड देन न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे, आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।